हो गया इसको कटिंग करना पड़ा भाई, नीचे ज़्यादा ओपन करना पड़ता है इसी कारण से इसको कटिंग कर दिया भाई ने। तो मतलब यार सोचे नहीं थे यार काटना पड़ेगा, बट फिर भी यार रैपिंग करनी है तो कटिंग तो करना ही पड़ेगा। तो अभी तो कटिंग हो चुका और अभी देखो इसको सफाई चल रहा है, इसके बाद रैपिंग स्टार्ट होगा इस पर। भाई मस्त क्लीन लग रहा एकदम न्यू, ब्रांड न्यू क्लीन लग गया अब एकदम। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइज अभी धूप काफ़ी ज़्यादा और फिर धूप में ही आप लोग बाहर निकले हैं। पीछे का वेदर देखो गाइज, मतलब खेत वेत का काफ़ी मस्त लग रहा है और धूप बहुत हार्ड वाला धूप है गाइज। तो अभी फिलहाल आप लोगों को बता दे गाइज कि अभी अपन लोग बाइक लेके निकले, लाइक देख सकते हो ये अपना R15 है, इसको अपन लोग लेके निकले क्योंकि इसमें जो भी रेड वाली है ना इसको अपने को रैप करवानी और फिर वहाँ पे ब्लैक करवानी है। तो इसी कारण से बाइक लेके निकले और धूप काफ़ी हार्ड वाला है क्योंकि अभी 10 बज रहा है, 11 बज रहा है मेरे ऐसा ख्याल से, और 11 बजे का धूप काफ़ी हार्ड वाला है। तो अभी अपन लोग बाइक लेके निकले और जल्दी से जाते गए शॉप में और फिर वहाँ पर रैप करवाते हैं। तो अभी पहले बाइक आपको दिखाते हैं गाइस। ये जो रेड वाली पार्ट दिख रही है ना काफ़ी गंदा हो चुकी है यार, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो ये रेड वाली पार्ट को अपन लोग चेंज करवा देंगे, लाइक रैप करवा देंगे इसको और फिर ये रेड वाली पार्ट को रैप करवाएंगे, ब्लैक हो जाएगा फुल्ली, टोटली ब्लैक हो जाएगी गाइस। तो ये मैट ब्लैक और फिर ये लाइटनिंग वाला ब्लैक, जैसा ये वाली ब्लैक है ना ये ऐसा ब्लैक ये हो जाएगी और फिर ये वाली भी पूरा ब्लैक हो जाएगी अंदर से भी रैप करवाने के बाद। और फिर गाइज वेदर कुछ इस टाइप का है गाइज, लाइक देख सकते हो सारे जगह धान ही धान दिख रहा है और फिर वो वाइट वाइट कलर का पंछी दिख रहा है वो गाइज बगुला हम लोग बोलते हैं, बट इंग्लिश में क्या बोलते हो समझ में नहीं आ रहा, बट जो भी बोलते हो सही है। और फिर ये देखो गाइज अभी थोड़ा थोड़ा धूप जा रहा फिर आ रहा, और फिर सूरज देखो भाई, ये देखो दिख रहा भाई, दिख ना रहा छुपा हुआ है, बट कोई ना यार सही है फिर भी। तो अपन लोग जल्दी से निकलते हैं अभिषेक साथ में, यहाँ पे धूप से बचा हुआ साइड में खड़ा होया हुआ, हाई कर दवाई हाई कर रहा और फिर रोड पे अपना मस्त वाला बाइक खड़ा है। और फिर ये देखो इसको बोलते हैं लफुआ बाज, मतलब ये लोग बोलते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, जो कुछ लोग बोलते हैं ना जो छोटा मोटा ऐसे ही गाड़ी लेके इधर उधर घुमाता घुमाता है वही बंदा है। तो चलो अपना R15 मस्त वाला अभिषेक चलाएगा और फिर अपन लोग बैठ के जाएंगे। अभिषेक चलाना। सो गाइस अभी अपन लोग निकल रहे हैं यहाँ से, धूप अभी थोड़ा सा कम हुआ है, लाइक कभी कभी धूप आ रहा है कभी कभी धूप जा रहा है, बट फिर भी सही है मौसम इतना में तो अपन लोग झेल ही सकते हैं। और धूप की बात तो गाइस मतलब हम लोग गांव के लोग हैं तो इतना धूप तो झेल ही सकते हैं, समझ ही सकते हो। तो अभी अपन लोग यहाँ से निकले हैं राइड करने वाला अभिषेक, और फिर अपन लोग फर्स्ट टाइम गाइस बहुत दिनों बाद कॉलर वाली टी शर्ट पहने, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी कॉलर वाला टी शर्ट नहीं पहना था, और फिर आज अपन लोग कॉलर का टी शर्ट पहने। तो देखो यार और फिर देखो मस्त वाला राइड और ये अपना मस्त वाला R15 और फिर इधर का वेदर भी काफ़ी सही है। देख रहे हो गाइस ये रोड अभी तक मतलब बनने का कोई समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक कुछ किया ही नहीं है। देखो थोड़ा थोड़ा पानी भी हो गया, बारिश पड़ा है ना तो पानी वानी सारा जगह आ गया। और फिर वो देखो वो गाइस वो मतलब वो स्टोर करने पानी स्टोर करने के लिए वैसा गड्ढा खदा है क्या मेरे को पता नहीं चल रहा, और फिर ये सब सारा सूखा हुआ था देखो सारा पानी भर गया, क्योंकि कल इतना भयानक बारिश हुआ था ना, मात्र 30 मिनट का बारिश हुआ था, इतना तेज घमासान बारिश था ना गाइस कि सारा जगह पानी पानी कर दिया, जहाँ जहाँ सूखा हुआ था ना वहाँ पे पानी डाल दिया यार, इतना ज़्यादा बारिश हुआ था कल। सो गाइस अभी तो अपन लोग रैप करवाने के लिए बाइक को लेके जा रहे हैं, तो मैंने 5-6 दिन पहले ही बात करा था जहाँ पे रैप करवानी है ना उनसे मैंने बात करा था, तो उन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम बोला था 500 रुपीज़ का रैप होगा, पूरा खोलना पड़ेगा गाइस आगे का जो भी है ना लाइट के पास ऊपर वाली वाइजर उसको खोलनी पड़ेगी, फिर टैंक पैड है उसको भी बोला कि खोल के ही करेंगे क्योंकि अच्छा वाला रैप करना है ख़राब वाली नहीं। तो मैंने बोला यार 500 बहुत ज़्यादा है, तो मैंने उसको बोला 300, बट उन्होंने 300 से मना कर दिया। और फिर आते आते मैं जब लौट रहा था ना तो उस टाइम उसने भाई मेरे को बोला 350, तो मैंने सोचा चलो आज 350 में हो जाएगी अपना मस्त वाला रैपिंग। तो अभी वही सोच के जा रहा है 350 का रैपिंग कैसा लगता है बाइक पे, वो तो देखेंगे गाइज रैप होने के बाद। तो आप लोग यू गाइज एक्साइटेड हो या फिर नहीं हो रैप होने के बाद बाइक का लुक कैसा होगा ये देखने के लिए एक्साइटेड रहना गाइज, क्योंकि लुक काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाली है। तो वीडियो कहीं भी स्किप मत करना गाइज, बस वीडियो में बने रहना। सो अभी फटाक से चलते हैं शॉप पे और फिर रैप करवाते हैं गाइज, रेट वेट फाइनल करके रैप करवाते हैं, अगर 350 में किया तो सही है वरना कोई और शॉप देखेंगे। शॉप है गाइज और फिर अपना बाइक ये रैप हो रहा है, फिर अपना होगा रैप।
ये गाइस हॉस्पिटल मोड़ से ना बस जस्ट पहले, ये इधर उधर क्या बोलते हैं ना मोगल कुआं और फिर इधर सो हॉस्पिटल मोड़, उससे जस्ट बीच में सरम कल्याण से पहले ये वाली शॉप है किंग स्टिकर्स, तो यहीं पर रैपिंग होगा। सो फाइनली भाई अभी अपना ओपन हो रहा है और फिर यहाँ से रैपिंग स्टार्ट होगा और ये भैया ओपन कर रहा है, तो यही रैपिंग करेंगे और फिर शॉप का मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था बट एक बार फिर से देख लो किंग स्टिकर्स। और फिर अभी 350 में बात हो गई है, तो टैंक पैड और फिर ये वाली होगा दोनों रैपिंग, तो अभी खोल रहे हैं। कितना टाइम लगेगा भैया? टाइम लग जाएगा 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा तो देखते हैं बस जल्दी से फटाक से हो जाए तब सही है भाई। इसको भाई पूरा ओपन होने के बाद ये होगा रैपिंग, दोनों मिरर हटेगा फिर वो बीच वाला भी हटेगा ना डबल वोल वायर सारा कुछ हट जाएगा, उसके बाद गाइस रैपिंग होगा, ऐसे तो हो नहीं सकता। और फिर इधर बाइक वाइक भी बनता है और फिर आगे भी मॉडिफिकेशन होती है, बट मॉडिफिकेशन का सारा सामान यहाँ भी मिल जाता है यार, तो उधर जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। देखो सारा कुछ शॉप में क्या क्या चीज़ें, रैपिंग वाली फिर यहाँ पर और भी स्टिकर्स है और फिर इधर देखो नंबर प्लेट भी यहाँ पर होती है और यहाँ पर लाइट वाइट है नंबर प्लेट और फिर इधर देखो गाइस मॉडिफिकेशन का भी कुछ सामान है और भी जो जो चीज़ चाहिए होएगा ना वो अवेलेबल करवा ही देंगे, तो प्लीज़ यहाँ पे आओ यार किंग साइन बोर्ड। तो अभी तो फिलहाल यही करवा रहे हैं रैपिंग और भी कुछ ज़रूरत होगा मॉडिफिकेशन के लिए तो यहीं पे आएंगे गाइस अभी अपन लोग, और कभी मॉडिफिकेशन का सारा सामान मिल जाएगा ना आपके यहाँ, तो यहाँ सारा सामान अवेलेबल हो जाएगी, अगर आपको नहीं भी दिख रही है ना तो ये अवेलेबल करवा देंगे कहीं से भी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ओपन करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और फिर देखो ओपन करने के बाद क्या सीन हो गया, जितना का बनता नहीं ना उससे ज़्यादा ओपन करने में भी दिक्कत होता है। सेट करने में तो गाइस देखे थे यार आप लोग जो भी मॉडिफिकेशन वाली ब्लॉग वीडियो थी उस पर देखे ही थे कैसा भाई मॉडिफिकेशन मतलब टाइम लगा था, और खोलने में भी उतना ही टाइम लगता है, इसमें देख सकते हो गाइस भाई पूरा हट गया, पार्ट फूट जाए इसका सारा कुछ गया। अब डबल बबल वाइजर ओपन हो रहा है, फिर इसके बाद और कुछ नहीं होगा, इसके बाद शायद रैपिंग स्टार्ट हो जाएगी। टैंक पैड वाला में मेन प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, इस पर तो उतना प्रॉब्लम नहीं बट इसको ओपन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है भाई, बस जल्दी हो जाए ना अच्छा सा लुक आ जाए, उसका जो फाइनल लुक होगी ना वो आपको दिखाएंगे सर लोग कैसा लुक आया बाइक का। तो फिलहाल अभी तो ओपन ही हो रहा है, रैपिंग कब से स्टार्ट होगी, मिरर भी सही जगह हो गया इसको कटिंग करना पड़ा भाई, नीचे ज़्यादा ओपन करना पड़ता है इसी कारण से इसको कटिंग कर दिया भाई ने, तो मतलब यार सोचे नहीं थे यार काटना पड़ेगा, बट फिर भी यार रैपिंग करनी है तो कटिंग तो करना ही पड़ेगा, तो अभी तो कटिंग हो चुका और अभी देखो इसको सफाई चल रहा है, इसके बाद रैपिंग स्टार्ट होगा इस पर भाई, मस्त क्लीन लग रहा एकदम न्यू ब्रांड न्यू क्लीन लग गया, अब एकदम न्यू लग रहा ना एकदम ब्रांड न्यू भाई, मतलब देखो कितना शाइनिंग है इसमें, देख रहे हो शाइनिंग मतलब टेक्सचर भी काफ़ी प्याना की है, देखो अच्छा लग रहा है अभी न्यू लग रहा है एकदम भाई। और यहाँ देखो इसको भी शाइनिंग मारेगा, इसको जब क्लीन करेगा ना ये भी शाइनिंग मारेगा, और अभी यहाँ से भाई नपाया जा रहा है, देखो यार ऐसे स्केल से लोग नापते हैं और फिर यहाँ पे कटिंग होगी चार्ट पेपर अपना, ये देखो बोला यार इसमें भी ना काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगता है यार, पहले तो इसको यहाँ से नाप लो स्केल से और फिर उसके बाद यहाँ पे कटिंग करो, ये देखो हम लोगों को तो कुछ ना समझ में आएगा बट ये लोग करते हैं तो इन लोगों को पता होगा गाइस। सो ये तो हो चुका है और अभी रैपिंग भाई, फुल प्रोसेस देखना है या फिर सारा एंडिंग में देखना है फिर डायरेक्ट से, तो ये भाई पेपर सीट अलग हो चुका है और ये देखो ये वाली अलग, हम लोग बहुत मेहनत का काम है यार, बहुत मेहनत बोलना और करना ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इसमें, तो टेबल इधर और फिर भैया मस्त वाला बैठ के अभी करने वाले, ये देखो भाई गर्म यार इसमें जा रहा है, इससे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है गाइस, क्योंकि जो भी ये प्लास्टिक टाइप का ही होता है ना तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए थोड़ा सा गर्म एयर डालना पड़ता है। और फिर अभी से ही देख लो मैंने वो वाली साइड वाली ब्लैक वाली देख रहे हो ना स्टिकर्स, वो वाली मैंने निकलवाया क्योंकि बाद में अपने को अनरैप करना होगा तो वो वाली शो ख़त्म ना हो इसी कारण से,
बाकी का तो भाई देख लो यार, अच्छा लग रहा है। जो भी यार घर में मारने के वाला काफ़ी मस्त वाला चिपकता है, ये देखो कितना मस्त वाला चिपका है, सारा घर में मार के ही चिपका जाता है भाई। अभी सारा चिपकने के बाद सारा को कटिंग करके साइड साइड करेंगे, उसके बाद भाई इसका फिनिशिंग ना काफ़ी मस्त वाला आएगा एंड में। तो अभी देखो ये ऐसा इधर भी एयर, और फिर यहाँ भी देखो मस्त वाला चिपकेगा अभी, ठीक है क्या मस्त वाला चिपका ना। मतलब आप लोग बोर हो जाएगा गाइस, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, तो अब डायरेक्ट आपको ना फिनिशिंग दिखाएंगे गाइस इसका लास्ट वाला। भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत करा है, ये देखो भाई क्या मस्त वाला लुक दिया यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मेहनत किया यहाँ पे, और अभी लास्ट फिनिशिंग चल रहा है इसका थोड़ा बहुत, और फिर अपना सेट हो जाएगा, उसके बाद फाइनल दिखाएंगे आपको कैसा मतलब लुक दिया है जो बाइक। चेक आउट दिस गाइस, ये फाइनल टच आया बाइक का, देखो अभी ये इधर ही है और फिर इधर देखो भाई फाइनल टच कैसा मस्त वाला लुक आ रहा है, ये देखो यार मतलब काफ़ी मस्त लग रहा है। और फिर इधर देखो अभी गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदा है बाइक अपना, इसको धुलाना बाकी है। देखो यामाहा लिखवाए हैं इधर वाइट कलर से, और फिर इधर भी वाइट कलर से यामाहा, और फिर इसका टैंक पैड देखो मतलब काफ़ी सॉलिड वाला लग रहा है। अभी जब ये धुलाएगा ना तो और भी भयानक वाला हो जाएगा, मस्त लगेगा अभी। सो ये देखो इंडिकेटर जलाना एक बार, ऑन कर दे स्विच, ये देखो ब्लिंक वाला भी काफ़ी सही है, क्योंकि ताड़ भी कड़ा था ना, बट मेरे को डर लग रहा था सही होगा या फिर नहीं होगा, बट सही हो गया यार, ब्लिंक भी सही हो रहा है। ये देखो इंडिकेटर इधर से सारा कुछ ब्लिंक हो रहा है, सही काम कर रहा है। सो फाइनली गाइस यही कुछ है अपना जो कि मस्त वाला मॉडिफाई हुआ, और भी काम करवाना बट ज़्यादा टाइम हो गया ना, इसी कारण से अभी अपन लोग घर जा रहे हैं जल्दी से, क्योंकि पापा को कहीं पर निकलना, तो अभी जल्दी से यहाँ से घर निकलते हैं गाइस, कुछ और भी सामान लेना है उसको लेके और फिर निकलते हैं अभी। तो अपना बाइक मस्त वाला खड़ा है, और फिर अभी से एक अंदर गया, इसके अंदर फ़ोन बनवा रहा है, ये अभिषेक है। सो गाइस मतलब अभी का लुक ना बाइक काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लुक दे रहा है, देख रहे हो, प्लस इसका देखो भाई टैंक पैड देखो इसका क्या ही लुक मस्त वाला दे रहा है। सो अभी तो गाइज उसका फ़ोन बनेगा, उसके बाद घर की ओर निकलेंगे गाइज। सो फाइनली गाइज अपना बाइक हो चुका है फुल्ली रैप्ड, लाइक बोले तो जो भी रेड वाली पार्ट थी ना उसको हम लोगों ने ब्लैक कर दिया, एक आगे का जो वाइजर होती है उस पर डबल वॉल वाइजर के नीचे, और फिर एक टैंक पैड पे किए, जो कि काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट वाला ओपी लगता है गाइज देखने में। आप लोग भी देखे होंगे गाइज, तो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइज कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसी लगी, मेरे से ख्याल से अच्छी लगी होगी, अगर ना भी अच्छी लगे फिर भी कमेंट करके बताना गाइज, अच्छी भी लगे फिर भी कमेंट करके बताना। सो मेरे को तो गाइज काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लुक लगा, बट उसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करवानी है, लाइक अपने को कुछ स्टिकरिंग उसमें डलवानी है, और फिर एक मॉन्स्टर वाली टैग्स आती है ना उसको भी उसमें ऐड करवानी है, और फिर गाइज लास्ट में ना अपने को ट्रांसपेरेंट वाला लैमिनेट करवानी है बाइक को, क्योंकि कहीं भी स्क्रैच लगती है ना थोड़ा सा भी बचता है ना तो स्क्रैच आ जाता, तो वो स्क्रैच से बचाएगी, और फिर उससे गाइज बाइक भी काफ़ी ज़्यादा सेफ होता। तो हम सोच रहे यार लैमिनेट जल्दी कराए, बट उसके यहाँ अवेलेबल नहीं था गाइज, वो बाइक के यहाँ लैमिनेट बोला कि अच्छा वाला पेपर नहीं है तो बेकार हो जाएगा, तो बोला गाइज कि जब भी नेक्स्ट टाइम आएगी ना उस टाइम लैमिनेट करवा लेंगे। और फिर गाइज उस दुकान का मैं आपको डाल दूंगा गाइज, उसका दुकान का नाम और फिर कहाँ पर वो शॉप है ना जहाँ पर मैंने रैपिंग करवाई है उसका फुल डिटेल डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जाके वहाँ से उनका दुकान पे जा सकते हो, अच्छा से गाइज वो रैपिंग करते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना गाइज, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक लिए बाय बाय गुड बाय टेक केयर, अपना ख्याल रखना अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहना। सो बाय बाय गाइज।